हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर मैं जिम जा सकता हूँ अगर मैं हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो अगर आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा, आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए बिकॉज ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो बिकॉज मैं डेली हार्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप अपना हार्ट इंक्रीज कर सकें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने एक साल में 10 इंचेस हाइट गेन किया था, वो भी मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा। तो वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू शेयर करने वाला हूँ एंड आप अगर इंक्रीज कर पाएंगे तो इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बार बार बताया कि हाइट को बढ़ाने के लिए डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइट खुद एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। इसको लेकर मैं अगर 1000 वीडियोस बनाऊँ ना, वो भी कम पड़ जाएगा। तो मुझे ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए अलग अलग वीडियोस बनाना पड़ेगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। हर एक वीडियो से आप थोड़ा थोड़ा अगर सीखते हो ना, तो एक दिन जाके आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा, आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मुझे अलग अलग वीडियोस कवर करना पड़ेगा। और मैंने एक्सरसाइज रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे आप हार्ट इंक्रीज कर सकते हो, तो जाके देखो, वो भी होम वर्कआउट। आपको जिम भी नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पर कर सकते हैं इजीली, कोई पैसा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, और बिंदास टाइम निकाल के करना, उससे आपका हार्ट इंक्रीज जरूर होगा। तो अब आते हैं असली टॉपिक पर कि क्या आपको जिम जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले लोगों का सोचिए, हम लोगों का ज़्यादा सुनते हैं ना। लोग कहते हैं कि अगर तुम जिम जाता है ना तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा, जिम अभी ज्वाइन मत करो, 25 साल होने दो, 30 साल होने दो, या जब तुम बुढ़ा हो जाएगा फिर तुम जिम जाना, तब के बुढ़ा होने के बाद तो हार्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो बुढ़ा होने के बाद जिम जाना। तो भाई, लोगों का नहीं सुनना है बिकॉज हमारे इंडिया में अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैला हुआ ना, अगर लोगों का सुनते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सो जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, आपके मसल्स में वेयर एंड टेयर होता है, और मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको हाई प्रोटीन लेना पड़ता है। आपके बॉडी वेट इंटू 2.2, उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली लेना है अगर आप मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं। और जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, आपका मसल्स इंक्रीज होता है। और ये चीज़ जान लो, द मोर मसल्स यू हैव इन योर बॉडी, द उतना ज़्यादा आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अगर आपके बॉडी में कम मसल्स है, आपके बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगी, आप जिम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत सही है। जिम जाकर आपकी हेल्थ सही होगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोई ट्रेनर के चक्कर मत पड़ना जो आपको उल्टा फुल्टा दवाई देने लगे, या आप ज़्यादा मसल्स बनाना चाहते हैं और वो उल्टा फुल्टा आपको मेडिसिन देना चाहे, बिल्कुल मत सुनना किसी का बात। बस जिम जाना, प्रॉपर डाइट पर फोकस करना, डाइट्स इंपॉर्टेंट है। जब आप डाइट लेंगे प्रॉपर, आपका मसल्स इंक्रीज होगा एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी मसल्स रहेगा, आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ग्रोइंग फेज में हैं, मतलब आपका एज 13 से 20 साल के अंदर में है, देन आप जिम जाइए बिकॉज ये टाइम में आपका हार्ट इंक्रीज होता है, मैक्स हार्ट इंक्रीज ये एज में होता है। अगर आप बोलेंगे मैं, मेरा एज 26 साल है, मैं जिम जाऊँगा मेरा हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, आप पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपके बॉडी में जो ग्रोथ प्लेट्स है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, आपका हड्डी रॉक हो चुका होगा और आपका हाइट नहीं बढ़ पाएगा, हाइट बढ़ने के लिए कुछ जगह नहीं बचा है। तो अगर आपके एज 13 से 20 साल के अंदर है, आप जिम जाओ और ज़्यादा वेट मत लिफ्ट करना। अगर आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे आपको इंजरी होने के चांसेस है एंड आपको ख़राब टेक्निक से बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप खराब टेक्निक से वर्कआउट करेंगे, आपका फॉर्म बैड है, उससे भी आपको इंजरी हो सकता है ना, आपका हाइट रुक सकता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर ट्रेनर जो आपको गाइड कर सके उसके अंडर अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, देन ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके 13 से 20 साल के अंदर है, उससे अच्छा ये कि आप घर पर ट्रेनिंग करो, आपको कोई इंजरी नहीं होगा। और आप अगर जानना चाहते हो कि घर पर आप क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं, तो भाई मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए होम वर्कआउट के ऊपर, आप जाके देखो, उससे कुछ सीखो और घर पर अपना हार्ट इंक्रीज कर सकते हैं। घर पर मसल्स को बिल्ड करो एंड जितना ज़्यादा मसल्स रहेगा आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा आपका हार्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड डेली आपको एक घंटा वर्कआउट करना ही है, 24 घंटा में से आपको एक घंटा निकाल कर आपको वर्कआउट करना है, ये आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। सो अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि आपको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, देन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको अपने औकात से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है,
उससे क्या होगा, आपका इंजरी हो जाएगा एंड आपका हार्ट ग्रोथ रुक सकता है। सेकेंड चीज ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्म से वर्कआउट करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने किसी बड़े भाई या दोस्त के साथ वर्कआउट कर, जिसको प्रॉपर पता हो, उसको प्रॉपर फॉर्म पता है कि नहीं, उसको अगर प्रॉपर टेक्निक पता है कि इस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, उसी के साथ करना, किसी के गार्डन्स में करना। ऐसा नहीं कि आप अकेले जिम जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, आप अनसन लगा रहे हैं, उससे आपको इंजरी होने का चांसेस है, देन आपका हाइट बढ़ जाने तो उसके बाद ही आप जिम जाना, ठीक है। और अगर आप जिम जाने से डर रहे हैं, देन आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप घर पर वर्कआउट करें एंड मेरे होम वर्कआउट वीडियोज़ को फॉलो करें, उससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा एंड आपका मसल्स बिल्ड होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट्स को दिखाया कैसे आप घर पर मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, कमेंट करके बताना कि आपको किस रिलेटेड और वीडियो चाहिए। तो वीडियो को यहीं पेंट करके जाता हूँ मैं, मिलता हूँ इस वीडियो में।